नमस्कार, मैं नवल किशोर न्यूरोथेरेपिस्ट 2005 से न्यूरोथेरेपी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये मैंने इसलिए बताया कि मैं जो अपना आपको इस वीडियो में जो जानकारी दूंगा, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर दूंगा कि न्यूरोथेरेपी की विशेषताएं क्या है। इन 16 सालों में मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंटों को देखा जो अपने मेडिकल रिपोर्ट की हिस्ट्री लेकर आए, बहुत बड़ी पुरानी पुरानी रिपोर्ट लेकर आए और न्यूरोथेरेपी से, केवल और केवल न्यूरोथेरेपी से ठीक हुए। न्यूरोथेरेपी की विशेषताओं में न्यूरोथेरेपी एलोपैथी डायग्नोस को आधार मानकर और न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट देती है। यानी कि हम एलोपैथी का जो डायग्नोस है, चाहे वो एक्सरे हो, एमआरआई हो, सीटी स्कैन हो, ब्लड रिपोर्ट हो, उन सबको मानकर, उन सबको आधार मानकर हम न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट दे सकते हैं और न्यूरोथेरेपी से उन बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। मान लीजिए कोई पेशेंट की एमआरआई की रिपोर्ट में आता है स्लिप डिस्क, डिस्क हर्निएशन या लॉर्डोसिस्ट, लिस्थेसिस, इस प्रकार की कोई भी समस्या लिखी हुई हो, निश्चित तौर पर न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट से इन सभी समस्याओं पर काम करा जा सकता है। अगर न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट से जब हम ये ट्रीटमेंट देते हैं तो स्पाइन के अलाइनमेंट को ठीक कर, चाहे वो लॉर्डोसिस हो, लिस्थेसिस हो या स्लिप डिस्क हो, हर्निएशन हो, इन सब पर ठीक करा जा सकता है, इन सबको ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। अगर पेशेंट ब्लड रिपोर्ट लेकर आता है और उसमें ESR बढ़ा हुआ है, प्लेटलेट डाउन है या WBC कम है या ज़्यादा है, तो हमारे न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट बहुत सारे ऐसे हैं जो केवल इन प्रोटोकॉल को भी डाउन कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। यानी कि जब आपका शुगर लेवल बढ़ जाए, आपका शुगर लेवल डाउन हो जाए, आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाए, यूरिया बढ़ जाए, यूरिक एसिड बढ़ जाए, तो इनको भी हम ठीक कर सकते हैं न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट से। और अगर आपके एक्सरे में आपको कहीं पर स्पर की समस्या हो जाए, यानी कि कहीं पर हड्डी बढ़ जाए, कहीं नुकीली हो जाए, स्पर हो जाए, तो उस समय पर भी हम न्यूरोथेरेपी के डिटॉक्सिफिकेशन ट्रीटमेंट से आपके स्पर को, यानी कि हड्डी जो बढ़ गई है, उसको भी ठीक कर सकते हैं। अगर डॉक्टर ये कहते हैं कि आपको एसिडोसिस की समस्या है, तो न्यूरोथेरेपी इस एसिडोसिस को बैलेंस करने का काम कर सकते हैं। अगर डॉक्टर्स ये कहते हैं कि आपको विटामिन्स की कमी है, तो न्यूरोथेरेपी के द्वारा आप पेट की समस्या, पेट को ठीक कर आपके डाइट से ही आपको विटामिन्स के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा सकती है और विटामिन्स के लेवल को ठीक कर सकती है। यानी कि हम न्यूरोथेरेपी में मेडिकल साइंस के रिपोर्ट्स को आधार मानकर अपना ट्रीटमेंट देते हैं और उनकी रिपोर्ट्स के आधार पर ही आपका डायग्नोज कर आपका ट्रीटमेंट करते हैं। न्यूरोथेरेपी के खुद के भी डायग्नोस पॉइंट है, हम चेक करते हैं कि नाभि नले कोड़ी की समस्या है या नहीं, आपकी जो स्पाइन है उसकी अलाइनमेंट ठीक है या नहीं, जब आप खड़े होते हैं तो तिरछे खड़े होते हैं या नहीं, जब आप खड़े होते हैं तो आपका एक कंधा ऊपर है, एक कंधा नीचे है, ऐसा तो नहीं है, इन सब को हम आधार करते हैं। हम चेक करते हैं कि क्या आपके विटामिन के पॉइंट में दर्द है या नहीं, क्या आपकी दोनों किडनियां प्रॉपर तरीके से फिल्टर कर रही है या नहीं, आपका लंग्स प्रॉपर तरीके से फिल्टर कर रहा है या नहीं, आपके शरीर के अंदर एसिडोसिस और अल्कलोसिस का इंबैलेंस तो नहीं, आपको इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन की बीमारी तो नहीं, आपको जनरल एक्सीडेंट या इंटरनल इंजरी की वजह से कहीं हिस्टामाइन तो जमा नहीं हो गया, इन सब को ध्यान में रखकर हम ट्रीटमेंट करते हैं और हम सिस्टमेटिकली आपकी बॉडी के सिस्टम को समझते हैं। यानी कि आपका पेट क्या कह रहा है उस लैंग्वेज को समझते हैं, आपके पेट के किस ऑर्गन में दर्द है, किस भाग में दर्द है, आपके लिवर के एरिया में पेन है, आपके स्टमक के एरिया में पेन है, आपके गॉल ब्लैडर के एरिया में पेन है, आपके स्प्लीन के एरिया में पेन है, और उसके दर्द को कैसे निकाला जा सकता है, इस पर काम करते हैं। तो इस प्रकार से न्यूरोथेरेपी आज मॉडर्न साइंस के साथ कंधे से कंधे मिलाकर उसके रिपोर्ट के आधार पर काम करती है और कई सालों से काम कर रही है। इन 16 सालों में हमने बहुत सारे ऐसे पेशेंट को देखा है जो अपनी एलोपैथी की रिपोर्ट को लेकर आए और उनकी न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट के बाद उनकी एलोपैथी की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल हो गई। बहुत सारे ऐसे क्रिएटिनिन के पेशेंट, ऐसे यूरिया के पेशेंट, यूरिक एसिड के पेशेंट, हीमोग्लोबिन के पेशेंट, ESR के पेशेंट, बहुत सारे ऐसे पेशेंट को हमने ठीक करा है। तो निश्चित तौर पर न्यूरोथेरेपी बिना किसी दवा के, बिना किसी साइड इफेक्ट के हर बीमारी का इलाज कर सकते हैं और साइंटिफिक तरीके से करते हैं। देश भर में 3000 से ज्यादा न्यूरोथेरेपी सेंटर चल रहे हैं, लगभग 5000 से ज्यादा न्यूरोथेरेपिस्ट काम कर रहे हैं,
अगर आप भी किसी भी बीमारी से पीड़ित हैं तो अपने नजदीकी न्यूरोथेरेपिस्ट के पास जाकर अपनी बीमारी का समाधान पा सकते हैं। एक बार सजेशन लीजिए कि एक न्यूरोथेरेपिस्ट आपकी समस्या का समाधान कैसे कर सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।